यार मित्रों, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपका फिर से सिलेबस कम कर दिया गया है क्लास 10th वालों के लिए। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, कक्षा 10वीं सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है ना, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, ठीक है ना, वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, वर्ष 2021 के लिए ये सभी कम किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। देखिए, ये पीडीएफ में था, परंतु मैंने आपके लिए सरल बनाया इसको, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, तो मैंने इसको एक कॉपी में लिख लिया है। देखिए, लिखने के बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर है क्रमांक, है ना, जैसे कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, इस प्रकार। इधर है पुस्तक का नाम, क्या है पुस्तक का नाम है, इधर पाठ का नाम है, और इधर लेखक और कवि का नाम। तो देखिए, यह हम सबसे पहले हिंदी का देख लेते हैं, है ना, उसके बाद देखिए हम और भी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। सॉरी, ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी कट हो गई है, तो फिर से हम पीडीएफ को ओपन करते हैं। चलिए अब हम समझा देते हैं पूरा पूरा। देखिए, क्षितिज भाग दो जो आपके है काव्यखंड, इसमें से आपका पार्ट तीन नहीं आएगा, पार्ट तीन आपका हटा दिया गया है, इसमें से ये जो लिखा रहा है ये हटा दिया गया है, ठीक है ना, जिसका लेखक कौन है, देव है ना, देव जो इसका लेखक है। उसके बाद देखिए, नंबर दो है क्षितिज भाग दो काव्यखंड, इसमें से पार्ट छः जो है ये भी हटा दिया गया है, जिसके लेखक है नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर है क्षितिज भाग दो में से काव्यखंड, इसमें से पार्ट नौ भी हटा दिया गया है, जिसके लेखक है मंगलेश डबराल, ठीक है। उसके बाद चौथा है क्षितिज भाग दो का गद्यखंड, इसमें से अध्याय 12 ने पार्ट 12 ये भी हटा दिया गया है ना, जिसके लेखक है यशपाल जी। चलिए आगे देखते हैं, और हटा दिया गया, जैसे कि देखिए कृतिका भाग दो, इसमें से पार्ट तीन हटा दिया गया है, जिसके लेखक हैं मधु कांकरिया। उसके बाद है कृतिका भाग दो, इसका अध्याय है पार्ट 4, जिसके लेखक है शिव प्रसाद जी, ठीक है ना। तो ये हिंदी में सिलेबस कम हुआ है। अब इसके बाद चलिए हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का हम देखते हैं, सबसे पहले है फर्स्ट फाइट। फर्स्ट फाइट जो है ये, इसमें से अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 11, है ना, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 11 ये हटा दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप मत पढ़ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसमें से अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 8 और अध्याय 10 ये क्या कर दिया गया, ये हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, पोएट्री में से, देखिए पोएम्स जो है वो हटा दी गई है, जैसे कौन कौन से पोएम्स आप देख लीजिएगा, कौन कौन से पोएम्स है, ये पोएम्स है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है ये वाली पोएम्स, ठीक है, ये हटा दिया गया है और ये भी हटा दिए गए है, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत में ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, संस्कृत में आप देख सकते हो पहला है, दूसरा है और तीसरा है, तो ये सेम उसी भाग दो में से है। पहला क्या है, पहला अध्याय है 4 अध्याय, ये कट कर दिया गया है। दूसरा है 11 अध्याय, है ना, ये भी कट कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा है 12 अध्याय, ये भी कट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, अब देखिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अध्याय 4, अध्याय 11, अध्याय 12 संस्कृत में। अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं गणित का। देखिए गणित में क्या है, गणित में आपका चैप्टर 1 है, इसको पूरा कम नहीं किया गया, इसमें से क्या किया गया, 1.4 में से, 1.4 में से देखिए आप, सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, 1.4 में से आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद 1.5 में से परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण हटा दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब चैप्टर 2 में से 2.4 में से क्या हटाया गया है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हटा दिया गया है चैप्टर 2 से, पूरा चैप्टर नहीं हटेगा। उसके बाद देखिए, चैप्टर 3 से 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, ये हटा दिया गया है। उसके बाद 3.5 में से दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये भी हटा दिया गया, इसको आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद चैप्टर 4 में से 4.4 द्विघाटी समीकरण का पूर्ण बनाकर हल, है ना, पूर्ण बनाकर हल। उसके बाद देखिए,
चैप्टर 5 में से आपका क्या किया जाएगा, 5.4 में से आपका एपी के प्रथम चार पदों का योगफल, और चैप्टर 6 में से 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, और चैप्टर 6 में 6.5 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये बेटा दिया गया है। उसके बाद देखिए चैप्टर 9 में से क्या क्या हटाया गया आपका, ये देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूरा हटा दिया गया है ये, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 देखिए, इसमें से 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, ठीक है ना, ये बेटा दिया गया है 11 में से 11.3। उसके बाद देखिए अध्याय 13 में से 13.5 यानी शंकु का छिन्नक जो हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथे में से आपका 14.5 यानी कि संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये हटा दिया गया है 14 पार्ट में से, ठीक है ना। अब चलिए अब हम विज्ञान का देखते हैं सिलेबस क्या क्या कम किया गया है। विज्ञान में से आपका चैप्टर 3 कम कर दिया गया है, धातु, अब देखिए चैप्टर 3 पूरा नहीं किया गया, इसमें से देखिए क्या क्या कम किया गया है। सबसे पहले धातु, उसके बाद अधातु, ठीक है, उसके बाद 3.4 धातु का प्रतीकों से, ठीक है ना, प्रतीकों से लगाकर, उसके बाद 3.4.6 तक धातु परिवेक्ष तक, यहाँ तक मतलब 3.46 तक हटा दिया गया है पार्ट 3 में से। उसके बाद देखिए पार्ट 4 में से आप देखिएगा कार्बनिक यौगिक 4.2.2 से आप देखिएगा 4.2.2 तक, ठीक है ना, ये हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्याय 7 में आप देखिए नियंत्रण व समन्वय हटा दिया गया है, ठीक है ना, 7.1.3 से अंत तक पूरा हटा दिया गया है, 7 अध्याय में पूरा नहीं हटा दिया गया है ना, जितना बताया उतना हटा दिया गया है। उसके बाद अध्याय 9 में देखिए आप अनुवांशिकता व जैव विकास 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, मतलब 9.3 से लगाकर आपको उसके आगे तक पाठ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्याय 13 में आप देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, 13.2.3 से लगा करके आप कहाँ तक पढ़ेंगे, पाठ के अंत तक पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 16 पार्ट डैम देख लो आप, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन 16.4 कोयला व पेट्रोलियम को छोड़कर संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, केवल आपको कोयला और पेट्रोलियम को छोड़ना है, इसको पढ़ना है, मतलब कोयला और पेट्रोलियम को, ठीक है। इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया है। आप सेली सोशल साइंस देखते सामाजिक विज्ञान, तो देखिए इसमें इतिहास से आपका अध्याय 1 कम कर दिया गया है, इसमें क्या किया गया है 13 से 18 पेज तक कम कर दिया गया है अध्याय 1 में। उसके बाद अध्याय 3 में आप देखिए अध्याय 3 में 68 पेज से 73 पेज तक कम कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भूगोल में आप देखिएगा, भूगोल में आपका अध्याय 3 जल संसाधन, इसमें आपका 31 पेज से 34 पेज तक कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 4 45 पेज से 49 पेज तक कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 6 जो कि आपका 76 पेज से 78 पेज तक, उसके बाद एक और पार्ट है जो कि आपको पीडीएफ में नहीं दिया गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, आप देख लेना मिला करके, इसमें भी छोड़ा गया है 94 पेज पर, है ना। अब देखिए राजनीति में आप देखिएगा अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, इसमें आपको क्या गया किया गया है, खलीन की उलझन सत्ता की साझेदारी के रूप, भारत में विकेंद्रीकरण, देखिए इसमें तो आपकी देखिए दो चीज़ें हटाई गई, तो खलीन की उलझन और एक सत्ता की साझेदारी के रूप में ये हटा दिया गया है। और देखिए अध्याय 2 में आप देखिए संवाद, है ना, संघवाद, इसमें भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राज़ील का एक प्रयोग, है ना, ब्राज़ील का एक प्रयोग हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए उसके बाद आप अध्याय 8 में देखिए लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो इसमें से आपको राजनीति की सुधारना, राजनीति को सुधारना और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, तो ये हटा दिया गया है। उसका देखिए अर्थव्यवस्था में आप देखिए अर्थशास्त्र में अध्याय 4 यानी कि वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, तो देखिए इसमें विश्व व्यापार संगठन, न्याय संघ, वैश्वीकरण के संघर्ष, ये हटा दिया गया है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना।